जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य को विशेष दर्जा खत्म कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 4 संकल्प पेश करते हुए आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का 2 राज्यों में बंटवारा भी किया गया। इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर के भूगोल के साथ ही सियासत भी बदल गई है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य को विशेष दर्जा को खत्म कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 4 संकल्प पेश करते हुए आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का 2 राज्यों में बंटवारा भी किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर के भूगोल के साथ ही सियासत भी बदल गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद शांता कुमार ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और केंद्र सरकार ने बड़े साहस का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आजादी मिलने के बाद 1953 भाजपा इस बात पर संघर्ष कर रही थी। आज का दिन सरदार पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने 500 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया था, एक जम्मू कश्मीर रह गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको भी भारत का हिस्सा बना दिया है। शांता कुमार ने इस बार जो देश के भाजपा को प्रबल जनमत बहुमत दिया था, साबित कर दिया है कि असंभव निर्णय को संभव करने की हिम्मत मोदी सरकार ने दिखाई। इसके लिए अपनी सरकार और भारत के लोगों को भी बधाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद शांता कुमार ने जम्मू और कश्मीर पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर कहा कि ये बहुत बहुत उपयुक्त है। लद्दाख का एक इलाका है, यही होना चाहिए था। लद्दाख संवेदनशील क्षेत्र है, उसको सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत रहना चाहिए। जो भी निर्णय किया है वे सोच विचार करके किया गया है। ऐतिहासिक है और केंद्र सरकार ने एक बड़े साहस का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आजादी मिलने के बाद 1953 से भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर संघर्ष कर रही थी और मैं समझता हूं कि आज का दिन सरदार पटेल को भी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने 500 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया था, एक जम्मू कश्मीर रह गई थी। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी भारत का हिस्सा बना दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मैंने अपनी राजनीति शुरू की थी 1953 में कश्मीर आंदोलन शुरू करते समय। 19 वर्ष की मेरी आयु थी और सत्याग्रह करने से पहले हमें विधिवत भारतीय जनसंघ का सदस्य बनाया था। देश ने जो प्रबल जनमत बहुमत दिया, इतना बहुमत दिया है तो आज भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि जनता ने जो इतनी अधिक शक्ति दी है उसके आधार पर एक बहुत बड़ा कठिन निर्णय जिसको असंभव समझा जाता था उसको करने की हिम्मत हमारी सरकार ने की है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को भी बधाई देता हूँ और भारत के लोगों को भी बधाई देता हूँ। देखिए, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो रही है, जिन्होंने कश्मीर को अलग रखने के लिए अपनी राजनीति बनाई और जिसमें पाकिस्तान का भी परोक्ष रूप से सहयोग था क्योंकि पाकिस्तान के पास भी कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर वो दुनिया में शोर मचाता था, जिस मुद्दे को लेकर वो राष्ट्रसंघ में शोर मचाता था। आज उसको जिस आधार पर वो शोर मचाता था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया और मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी राहत इसलिए भी मिली क्योंकि इस कश्मीर के कारण हमारा करोड़ों अरबों पे ज़्यादा खर्च होता था, निर्दोष लोग वहाँ मारे जाते थे और हमारे जवान भी शहीद होते थे, तो अब इस समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया। ये भारत के शरीर पर एक नासूर बन चुका था जिसको आज केंद्र की सरकार ने समाप्त किया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है।